एक नई पॉलिसी सरकार के द्वारा हमारे सामने लाई जाती है और उस पर जो यंग जनरेशन है उसका रिएक्शन क्या होता है। आज हरियाणा के सीएम ने कहा कि अब हरियाणा के लड़के कश्मीर से लड़की ला पाएंगे। कितना मजेदार है सोचिए, अपनी लड़की को पेट में मार देंगे और अपने लड़कों के लिए लड़की कश्मीर से लेकर के आएंगे। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती है, पेट में बच्चियों को मार दिया जाता है। और उस स्टेट में जब आप घूमेंगे तो हर दीवार पे, हर ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखा रहता है। और वहां पे जो रेशियो है मेल और फीमेल का, वो देश में सबसे ज्यादा खराब है। और उस देश के सीएम ये कह रहे हैं कि लड़की कश्मीर से लग के आएंगे। हमारे राज्य बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि अब बिहारियों को कश्मीर में काम मिलेगा। बताइए, इनको देख करके शर्म शर्मा जाएगा? अगर इनको देख ले शर्म तो रास्ता बदल ले इनको देख करके। आप किसी स्टेट के डिप्टी सीएम हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके स्टेट के यूथ माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में ना काम करने के लिए जाएं, ऐसा वर्किंग कंडीशन आप पैदा कर सकें। कैसे सवालों को डाइवर्ट किया जा रहा है और यूथ प्रोपेगेंडा का शिकार है, टिकटॉक वीडियो बना रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम तरीके की चीजें हैं। कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है, हर चीज का इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रहा है, फिर भी आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन के मूल सवाल क्या हैं। मेरे जीवन का मूल सवाल ये है कि जब मैं पैदा हुआ, कुछ दिनों के बाद जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैं कौन सा कैरियर चुनूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, ये मेरे माँ बाप के सपनों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मैं तय करूं कि मुझे कौन सा कैरियर चुनना है और उस कैरियर में अगर हमने क्वालिटी अपने भीतर पैदा की है, मान लीजिए कि मैंने ये कैरियर चुना कि मैं गिटार बजाऊंगा, अगर मैं एक अच्छा गिटारिस्ट बन गया हूं तो मुझे बतौर गिटारिस्ट सोशल एक्सेप्टेंस मिले। हर कोई हर काम तो नहीं करता है, यहाँ जो आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप में से किसी ने भी मोबाइल नहीं बनाया होगा, मोबाइल को तो कोई और बना रहा है, लेकिन आप भी तो कुछ कर रहे होंगे। किसान अनाज पैदा करता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग टूल बनाता है, मजदूर मजदूरी करता है, सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, कोई खाना बनाता है, कोई खाना पहुंचाता है, कोई खाना उगाता है, इसी तरह से तो सोसाइटी चलती है। लेकिन कौन क्या करेगा ये चुनने का अधिकार उसको नहीं है। पढ़ लिख लेने के बाद, मान लीजिए कि हम इंजीनियर बने हैं, इंजीनियर बनने के बाद हम घर घर घूम करके एक्वा गार्ड क्यों बेचेंगे? अगर एक्वा गार्ड ही बेचना है तो फिर इंजीनियर बनने की क्या जरूरत है, हमको समझा दीजिए। अगर मुझे एक्वा गार्ड बेचना है तो मैं इंजीनियरिंग क्यों करूंगा? और अगर मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे एक्वा गार्ड क्यों बेचना पड़ेगा? ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को प्रोपेगेंडा के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। नतीजा ये हो रहा है कि सिटीजनशिप क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटोरियन स्टेट नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो बात सही होगी, ये डेमोक्रेसी नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो माइनॉरिटी व्यूज़ हैं, जो कम लोग हैं, जो उनका आइडेंटिटी है, जो उनका एक्सप्रेशन है, उसको भी स्पेस मिलेगा, ये डेमोक्रेटिक होने का मतलब होता है। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सरकार का काम यदि कानून पास करना है तो विपक्ष का काम उस कानून का विरोध करना है। ये कैसे हो गया इस देश में कि सरकार के किसी भी पॉलिसी का अगर अपोजिशन विरोध करती है तो उसको इमीडिएटली पाकिस्तानी कह दिया जाता है? बताइए, एमपी बने हैं हिंदुस्तान में,
वोट दिए हैं हिंदुस्तान में, बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, और सरकार का विरोध करने के लिए ही वहां पे बैठे हुए हैं, चुने हुए विपक्ष हैं, देश के लोगों ने वोट दे करके विपक्ष के रूप में चुना है, और तब यदि सरकार की आलोचना करें तो पाकिस्तानी कह दिया जाता है। इस तरीके का पिक्चर, इस तरीके का मीम बनाया जाता है कि सरकार के समर्थक कहते हैं कि पाकिस्तान भी दुखी है 370 हटने से और भारत का विपक्ष भी दुखी है। आप कैसा लोकतांत्रिक प्रोसेस तैयार कर रहे हैं? कभी आप भी तो विपक्ष में बैठेंगे, और कभी आप भी विपक्ष में थे। मान लीजिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यही परिपाटी बन जाए, तब तो डेमोक्रेसी तो बचेगी ही नहीं, तब तो अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाएगा। कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटोरियल जो है एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा। जो लोग देशभक्ति के नाम पे सरकार की अंधभक्ति कर रहे हैं, दरअसल वो चाहे अनचाहे देश विरोधी काम कर रहे हैं। इस बात को उनको समझना चाहिए। अगर आपको देश से प्यार है तो आप कमजोर से सवाल मत पूछिए, ताकतवर से सवाल पूछिए। डेमोक्रेटिक होने का मतलब विपक्ष से सवाल पूछना नहीं होता है, डेमोक्रेटिक होने का मतलब सरकार से सवाल पूछना होता है। अगर देश के लोग, देश की मेजोरिटी विपक्ष के पास होती तब वो विपक्ष में क्यों होता? तब तो उसकी सरकार होती ना। आपको लोगों ने समर्थन किया है, लोगों ने ऑलरेडी उनको वोट दे दिया है, वोट देने के बाद अब उनकी भक्ति करना बंद कर दीजिए, उनसे सवाल पूछना शुरू कीजिए। लेकिन यह जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस सबसे पहले हमको कहाँ सिखाया जाएगा? यह प्रोसेस सबसे पहले हमको हमारे घर में सिखाया जाएगा ना, हमारी फैमिली में सिखाया जाएगा ना, फैमिली के बाद हमको हमारी सोसाइटी में सिखाया जाएगा ना, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमको बताया जाएगा ना, हमारे ऑफिस में हमको सिखाया जाएगा ना। और आप हमको बता दीजिए कितने लोग अपने घर में डेमोक्रेटिक हैं, कितने लोग अपने ऑफिस में डेमोक्रेटिक हैं, कितने लोग जब बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, मेट्रो में चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं तो डेमोक्रेटिक बिहेवियर करते हैं? आप ही डेमोक्रेटिक नहीं हैं और चाहते हैं कि यूथ डेमोक्रेटिक हो जाए, कैसे हो जाएगा? बाप से सवाल पूछने का अधिकार यदि बेटा को नहीं है, पति से सवाल पूछने का अधिकार यदि पत्नी को नहीं है, भाई से सवाल पूछने का अधिकार यदि बहन को नहीं है, और पड़ोसी से सवाल पूछने का अधिकार यदि पड़ोसी को नहीं है, जब सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं है तो स्टेट कैसे डेमोक्रेटिक हो जाएगा? खूब अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दीजिए, अच्छी अच्छी बातें उसमें लिख दीजिए, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, सब लिख दीजिए। ये सब किताबी बातें होंगी, किताब में ही लिखा रह जाएगा। और मैंने अपना उदाहरण आपको इसलिए प्रस्तुत किया कि हमारे साथ जो हो रहा है वो कोई एक्सक्लूसिव बात नहीं है, इस देश के हजारों, लाखों, करोड़ों नौजवान के साथ यही हुआ है। कि उसके जीवन में क्या होगा ये उसके हाथ में नहीं है, और जीवन भर अगर वो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस और बिहेवियर का शिकार रहा है तो जब वो पोजीशन में आएगा तो वो कैसे डेमोक्रेटिक बन जाएगा? इस बात को हम लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और इस लिहाज से मैं आपको कहता हूं कि आज का यूथ मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार है, आज का यूथ प्रोपेगेंडा का शिकार है, आज का यूथ अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस और बिहेवियर का शिकार है, लेकिन आज के यूथ के पास इन्फॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी है। आज के यूथ के सर्वाइवल के लिए डेमोक्रेसी के अलावे और दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और आज का यूथ रैशनल और लॉजिकल भी बन सकता है अगर उस प्रोसेस को अपनाने के लिए तैयार हो तब। इसीलिए इस हाउस में मैं ये प्रपोज करना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। होपलेस इसलिए नहीं होना है कि आज जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसके लिए पास्ट रिस्पॉन्सिबल है,
इसके लिए हिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, और आज जो हम बिहेव करेंगे उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। इसलिए मैं तो कई बार भाजपा को और इस सरकार को मन ही मन बधाई देता हूँ। वो इसलिए कि भाजपा यदि नहीं आती तो इस देश में सेकुलरिज्म का असली मतलब क्या होता है वो हमारे जनरेशन को पता नहीं चल पाता। भाजपा यदि नहीं आती तो क्यों भारत जैसे देश के लिए जहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसमें डेमोक्रेसी का क्या वैल्यू है ये लोगों को समझ में नहीं आ पाता। भाजपा यदि नहीं आती तो इस देश में बहुत सारे सवाल आज भी पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं बन पाते। कम से कम इस दबाव में ही सही, लोग अब राजे राजवारे दिखाने वाले, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले और कभी जनता के बीच नहीं जाने वाले नेताओं का हकीकत तो जानने लगे हैं ना, वरना ऐसे कैसे हुआ आप मुझे बता दीजिए कि इमरजेंसी इम्पोज करने के बाद एक बार के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी हारी और अगली बार थंबिंग मेजोरिटी से वो जीत करके आ गई, कैसे ऐसे संभव हुआ? असल बात यह है कि जब तक सोशल इंस्टीट्यूट्स डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, जब तक फैमिली के अंदर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस और बिहेवियर को इंश्योर नहीं किया जाएगा, जब तक दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हम डेमोक्रेटिक बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, वहाँ हम साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, रैशनैलिटी, इन तमाम चीज़ों को स्प्रेड नहीं करेंगे, तब तक एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक जो इक्वलिटी सोशलिज्म और सेकुलरिज्म में बिहेव करता हो ऐसी सोसाइटी और स्टेट का निर्माण करने में ऐसे प्रॉब्लम आते रहेंगे। इसीलिए होपलेस होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिकली एक बात सोच करके हमको बताइए कि हम कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, फिर भी यह जो बाहर बारिश हो रही है ये नहीं रुकेगी, रुकेगी ना, एक दिन बारिश रुक जाएगी, ठंडा आ जाएगा, फिर ठंडा भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी नहीं रहेगा, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। अगर हम थोड़ा सा भी हिस्टोरिकल प्रोसेस को समझते हैं तो हमको बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो आज हो रहा है उसके लिए पास्ट रिस्पॉन्सिबल है, और आज जो हम करेंगे उससे ही हमारा फ्यूचर सेफ लेगा, उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। और इस बात से मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 90 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं असल में वो इस दौर में पैदा हुए हैं जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस वक्त की जो जनरेशन ने एक फास्ट हिस्टोरिकल प्रोसेस को होते हुए देखा, चेंज को होते हुए देखा, वो विटनेस करने का मौका हम लोगों को मिला है। जेकर तुहानूं साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।